आज हम 10वीं विज्ञान का पाठ 1 और 2 का दोहरण कार्य शुरू करेंगे। पाठ 1 है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य और पाठ 2 है मानव तंत्र। आइए दोहरण कार्य के प्रश्न शुरू करते हैं जो किताब में दिए गए हैं, उनका उत्तर सहित हम आपको करवाएंगे। प्रश्न नंबर 1, नारू रोग का जनक है उत्तर कृमि। प्रश्न नंबर 2, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है उत्तर हो जाएगा 120 अधिकतम और न्यूनतम 80। प्रश्न नंबर 3, तंबाकू किस कुल का पादप है उत्तर हो जाएगा सोलोनेसी। क्वेश्चन नंबर 4, मदिरा का मुख्य घटक है उत्तर हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है उत्तर है घेंगा। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है उत्तर पेपेवार सोमनीफेरम। वसीय यकृत रोग का कारण क्या है उत्तर हो जाएगा अधिक शराब का सेवन। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है उत्तर हो जाएगा निकोटीन। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का क्या नाम है उत्तर हो जाएगा स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, नारू रोग के जनक का क्या नाम है उत्तर हो जाएगा ड्रेक्नेकुलस मेंडिनेंसिस। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? उत्तर प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 2, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की कितनी संख्या होती है? तो उत्तर 2। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? उत्तर यूरिया का। प्रश्न नंबर 4, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? उत्तर मेलेटोनिन। प्रश्न नंबर 5, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक पाचन क्रिया संपन्न की जाती है? उत्तर ग्रहणी में। प्रश्न नंबर 6, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया पाया जाता है? उत्तर मध्य मस्तिष्क में। प्रश्न नंबर 7, दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है? उत्तर अधिवृक्क ग्रंथि। प्रश्न नंबर 8, एल्वियोलाई में पाई जाती है? उत्तर है उत्तर है उत्तर है उत्तर शल्फी उपकला। प्रश्न नंबर 9, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? उत्तर बोमन संपुट में। प्रश्न नंबर 10, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है?